देखो बेटा, इस सवाल में आपको वेलोसिटी दी है, हालांकि साइन के टर्म यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दी गई है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। लिख लीजिए भाई साहब, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 sin x + π/2, यानी क्या है आपका 90 + θ। आपको याद है हमने बताया था एक चीज, आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा। 90 π/2 + θ यहाँ आएगा, और जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आपका काम बन गया। 90 पे आप जानते हैं π/2 पे क्या होता है, साइन कॉस हो जाता, कॉस साइन हो जाता। तो पहली केस आपने रख लिया साइन को कॉस, और चूंकि इस टर्म का साइन है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो आप कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू 3 cos x। काम बन गया आपका। एक्सेलेशन निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो आप इसको करेंगे, 3 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो d/dt of cos x। वेरी सिंपल, ये तो एक्सेलेशन हो गया। कॉस एक्स का आप जानते हैं -sin x, और जब यहाँ टी नहीं होता है तो आपको जरूरी हो जाता है d/dt of this quantity। उस समय भी करते हैं आप d/dt t करते हैं, जो कि 1 आ जाता है। बस काम बन गया। साइन एक्स ये dx/dt वेलोसिटी है, आपका काम बन गया। आपने कहा सर ए बराबर -3 sin x, और वी की इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिख लिया 3 cos x, एम आई राइट, ये गुणा है। तो आपका काम बन गया 3 * 9 sin x * cos x। एक्स की वैल्यू दे रखी है, कहाँ है, π/4 पे। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, sin π/4 * cos π/4। sin π/4 मीन्स 45 डिग्री, cos π/4 मीन्स 45 डिग्री। आप जानते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, √2। इसकी भी 1/√2 -9 √2, √2 हो गया -4.5 m/s² है कोई? यस, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।